हेलो दोस्तों, एरा एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आप सब से मेरा निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोविड अलार्म, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे यूके साइंटिस्ट ने बनाया है। यह भीड़ में बॉडी की स्मेल से डिटेक्ट करके बता देगा कि कोई कोविड पेशेंट तो वहां प्रेजेंट नहीं है। अभी लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन और दुरहम यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट में बताया कि कोविड 19 इन्फेक्शन की एक अलग स्मेल आती है। यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसी स्मेल को डिटेक्ट करके भीड़ में बता देगा कि कोई कोविड पेशेंट तो वहां प्रेजेंट नहीं है। यूके कंट्री है एक यूरोप की, कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, पीएम है बोरिस जॉनसन। सेकंड, ग्लोबल योगा कॉन्फ्रेंस 2021। ग्लोबल योगा कॉन्फ्रेंस 2021 की सेरेमनी को यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी इनॉग्रेट करेंगे। यह मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मोक्ष यतन योग संस्थान और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ऑर्गेनाइज करता है। इस पैंडेमिक के समय में योग की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है क्योंकि यह लॉकडाउन के समय में स्ट्रेस को कम करने में अति लाभदायक है। योग फिजिकल फिटनेस और मेंटल पीस को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। यह शरीर की इस इम्यूनिटी को मजबूत करने में भी मदद करता है। 2014 में यूएन जनरल असेंबली ने 21 जून को इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेट करने की घोषणा की। 2021 की योग की थीम है बी विद योगा, बी एट होम। जलगांव महाराष्ट्र, जलगांव महाराष्ट्र के किसान GI सर्टिफाइड बनाना को दुबई एक्सपोर्ट करेंगे। जलगांव बनाना को 2016 में GI टैग मिला था। भारतीय बनाना की एक्सपोर्ट में वॉल्यूम और वैल्यू दोनों ही बढ़ी हैं। अगर हम बात करते हैं 2018-19 में 1.34 लाख मैट्रिक टन बनाना एक्सपोर्ट हुआ था और 2019-20 में 1.95 लाख मैट्रिक टन। अगर वैल्यू की बात करते हैं तो 2018-19 में 413 करोड़ का, 2019-20 में 660 करोड़ का बनाना एक्सपोर्ट किया गया है। भारत में 25% प्रोडक्शन जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश ये मेजर प्रोडक्शन स्टेट हैं बनाना के। यहाँ से लगभग 70% देश का बनाना प्रोड्यूस होता है। जलगांव बनाना फाइबर और मिनरल दोनों में रिच है, इसलिए इसकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड है। फोर्थ, स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू ने एथलीट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। इस तरह का यह पहली पहल है जिसके तहत एथलीट को मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य एथलीट को समय पर हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट उपलब्ध कराना है। इसमें इंजरी का ऑनलाइन रिकॉर्ड भी रखा जाएगा ऑनलाइन एथलीट मैनेजमेंट सिस्टम में। अगर हम बात करें और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, जैसे BCCI है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। आनंद मोहन बजाज को एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, एक सेबी के सदस्य के रूप में। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह कैपिटल और कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट को कंट्रोल करता है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन है अजय त्यागी। सिक्स न्यूज है, 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट के रूप में मनाया जाता है। इसे यूएन जनरल असेंबली ने 1994 में घोषणा की थी कि 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। यह डेजर्टिफिकेशन और ड्रोट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। 2007 में यूएन जनरल असेंबली ने 2010 से 2020 को डिकेड घोषित किया था फॉर डेजर्ट्स एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। प्रिटजर आर्किटेक्चर प्राइज लोरेट गोट फ्राइड बॉम का 101 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये जर्मनी के आर्किटेक्चर से प्रिटजर प्राइज आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है। इसको प्राप्त करने वाले ये 8वें व्यक्ति थे। 2021 में प्रिटजर प्राइज मिला है एनी लैक्टॉन और जीन फिलिप वेजल को। सेंजो 12 चाइना ने पहला एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है उसके न्यू स्पेस स्टेशन के लिए। इसे लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट से लॉन्च किया गया है। सेंजो 12 स्पेसक्राफ्ट 3 मेल एस्ट्रोनॉट निक हेंगसेंग, लियू बॉमिंग और टैंग होंगबो को स्पेस में लेके जाएगा।
यह क्रू मेंबर 3 महीने तक स्पेस में रुकेंगे। यह चाइना का 7वां क्रूड मिशन है। संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन, यह ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा वर्चुअली लॉन्च करेंगे। इसे वन धन प्रपोजल को ऑनलाइन रिसीव तथा प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें GIS इंटीग्रेशन मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेशन है, जो वन धन प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रिपोर्ट जारी करेगा। TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चैनल सिलेक्टर पोर्टल लॉन्च किया है DTH और केबल TV सब्सक्राइबर के लिए। यह DTH और केबल TV सब्सक्राइबर को रिलायबल, रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट सर्विस प्रोवाइड करने में मदद करेगा। यह पोर्टल सब्सक्राइबर को अपना सब्सक्रिप्शन और चैनल चेक करने की सुविधा मुहैया कराएगा। उसके अलावा इस पोर्टल पर जाकर यूजर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज की न्यूज़ से रिलेटेड क्यूज़ के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।